हेलो एंड वेलकम टू प्रॉप नेशन। ये है अहिंसा खंड 2 इंदिरापुरम, और आज जो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट हम दिखाने वाले हैं, इसका नाम है एजिस ट्राइन टावर्स। ये काफी तेजी से पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। लोकेशन वाइज बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ऐसे लोग जिनको नोएडा सेक्टर 62 या 63 में जॉब करना है, उनके लिए तो ये एकदम वरदान की तरह समझ दीजिए। बहुत ही नजदीक है, आपका आना और जाना अपने ऑफिस के लिए बहुत ही आसान रहने वाला है यहाँ पर रहते हुए। और आज जो यूनिट हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे वो एक कॉम्पैक्ट साइज का 2 BHK है। 855 स्क्वायर फीट इसका सुपर एरिया है। 2 BHK विद 2 वॉशरूम है। ये लिविंग और डाइनिंग कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यूनिट आप जिस तरह की देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह की आपको डिलीवर भी की जा रही है, यानी कि जो ये फिटिंग्स अप्लायंसेस जो भी आपको यहाँ पर लगे हुए दिखेंगे वो सब एक स्टैंडर्ड यूनिट का पार्ट है। ये वुडवर्क जो आपको किचन में दिख रहा है ये भी एक स्टैंडर्ड यूनिट का पार्ट है। टाइल्स, फॉल्स सीलिंग, लाइट फैंस, ये सब आपको बिल्कुल इसी तरह से मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिलती है इस यूनिट की किचन जो कि एल शेप में प्लेटफॉर्म वाली है। कॉम्पैक्ट साइज का ये 2 BHK जरूर है, लेकिन स्पेस में आपको एज सच कोई कमी नहीं लगेगी। आज की डेट में जो भी प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं इसी तरह के साइजेस आपको मिलते हैं, बट 855 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो काफी अच्छी स्पेस मैनेजमेंट आपको यहाँ पर लगने वाली है। और इस तरह के सेगमेंट्स अब मार्केट में बहुत ही रेयरली अवेलेबल है। किचन की साइड से यदि आप लिविंग और डाइनिंग को देखते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू आपको मिलता है, और लिविंग डाइनिंग के साथ में आपको एक डिसेंट साइज की बैल्कनी भी मिल जाती है जो एक यूटिलिटी बैल्कनी के जैसे प्रयोग भी की जा सकती है। सराउंडिंग इसकी पूरे तरीके से बसी हुई है। काफी सारी सोसाइटीज और काफी सारा लो राइज डेवलपमेंट इसके आसपास आपको मिल जाता है। ये इसका कॉमन एरिया में मिलने वाला फर्स्ट वॉशरूम है। इस कॉमन वॉशरूम को आप लिविंग डाइनिंग के साथ तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ ही ये इस यूनिट के फर्स्ट बेडरूम के साथ में भी एक्सेस किया जा सकता है। वॉशरूम भी आपको इसी कंडीशन में डिलीवर होंगे। और लिविंग डाइनिंग के दूसरी तरफ आपको मिल जाता है इस यूनिट का फर्स्ट बेडरूम। इस बेडरूम के साथ में आपको एज सच कोई वार्डरोब का स्पेस डेडिकेटेड नहीं मिलता है, और ना ही यहाँ पर आपको कोई बैल्कनी दी गई है। एक विंडो एरिया आपको यहाँ पर जरूर दिया गया है जो आपको यहाँ पर वेंटिलेशन और सनलाइट की व्यवस्था आपके लिए कराता रहेगा। तो ये भी एक एडिक्वेट स्पेस कह सकते हैं आप। आइए अब चलते हैं इस यूनिट के मास्टर बेडरूम की तरफ। और ऐसा नहीं है कि ये यूनिट हम पहली बार दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, इससे पहले भी एक बार हम इसको फीचर कर चुके हैं। ये मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम के साथ में आपको एक वार्डरोब का स्पेस, यानी कि एक वार्डरोब आपको यहाँ पर मिल जाती है, एक डेडिकेटेड अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है, और साथ ही एक बैल्कनी भी आपको इस रूम के साथ में मिल जाती है। ये है इस बेडरूम के साथ में मिलने वाला वॉशरूम। और इस तरफ इसका ये शावर वाला पोर्शन है, कुछ इस तरह का दिखता है ये मास्टर बेडरूम। यहां पर सामने है वार्डरोब, और इस तरफ आपको मिल जाती है इसके साथ में मिलने वाली बालकनी। ये प्रोजेक्ट GDA से अप्रूव्ड है, रेरा में रजिस्टर्ड है, और होम लोन्स भी आपको यहां पर इजीली मिल जाते हैं। बालकनीज दो ही हैं इसके साथ में, लेकिन दोनों की जो विड्थ है वो सेम है। और ये आपके स्क्रीन पर इस यूनिट का स्टार्टिंग प्राइस है। डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोर ये प्राइस इंक्रीज भी होता है। इसके अलावा आपको GST, पोजीशन टाइम के कुछ खर्चे और रजिस्ट्री इसके बाद में पे करनी होती है। कुछ इस तरह से यूनिट ये कंप्लीट हो जाती है। और ये एक सैंपल एक्चुअल यूनिट है, ये इसका यूनिट प्लान है, बिल्कुल इसी ओरिएंटेशन में आपने इसको देखा भी है।
आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए। और यदि आपने ऐसा पहले ही किया हुआ है तो आपको ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।